आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? हाँ? इंतजार किस बात का? शर्म की बात है कि आप इन फिजूल की बातों में यकीन करते हैं। देना जब काम हो जाए। हम इस मुद्दे को यहीं इसी वक्त खत्म करते हैं। डॉक्टर, हमें रिपेयर का काम जारी नहीं रखना चाहिए। तुम जानती हो तुमने सबको परेशान कर रखा है, और उसकी वजह से सुबह क्या हुआ देखा ना तुमने? मेरी बात मानिए, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। किसी को भी उस रेड वार्ड में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक दीवार है। वो वर्कर सिर्फ तुम्हारी कहानियों से परेशान है। डॉक्टर प्लीज, नहीं मेरी बात सुनो। तुम जानती हो उस वार्ड को दोबारा बनवा के हम और भी पेशेंट्स को रख सकते हैं। ये हॉस्पिटल का नया विजन है, हिस्सा है, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तुमने हमारे साथ काफी काम किया है और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तभी हम तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसी हरकत दोबारा नहीं होने देंगे, नहीं तो देख लेना हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपसे ध्यान रखना।
लुसियाना, हमारी बात हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में खाना भी रखा है। शुक्रिया। मैं चाहती हूं कि मेरे काम पर जाने से पहले तुम घर आ जाया करो। मुझे बहस नहीं करनी है। खा के सो जाना। मरीज की हालत कैसी है? ठीक है। ओके, मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी वो हर 2 घंटे में देनी है। ठीक है। ओके डॉक्टर। ट्रैफिक ना मिले इसलिए मैं जल्दी आना पसंद करती हूँ। मुझे एक पेशेंट के लिए आपकी मदद चाहिए। आइए। शुक्रिया नर्स, अब आप जा सकती हैं। कैसे हैं आप दोनों? डॉक्टर, आपने कल मुझे बताया था कि इन्हें इस्केमिया है। मेरी छाती में जलन सी है और सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। और आज ये किडनी में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। बीमारी है, बीमारी तो फैलती ही है। इनका ख्याल रखिएगा प्लीज। वेनेंसियो, आप घर क्यों नहीं चले जाते? पर मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। आप 2 महीने पहले ही ठीक हो चुके हैं। सच में बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? कोई यकीन नहीं करेगा। डॉक्टर, मैं अकेला हूँ और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ मैं अकेला महसूस नहीं करता। देखिए, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। शुक्रिया। क्या आपने सुना आज सुबह रेड वार्ड में क्या हुआ? वो उस दीवार को गिराना चाहते थे लेकिन किसी कारण उन्हें रुकना पड़ा। वो अंदर नहीं जा पाए। अजीब है ना? आपको पता ना रेड वार्ड की क्या कहानी है? कहते हैं काफी पहले यहां हॉस्पिटल में कत्लेआम हुआ था और तब से शैतान यहां रहता है।
लुसियाना। आंद्रे तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी बे, खुद को रोक नहीं पाया। कहा था ना बिना बताए मत आया करो, माँ हो सकती थी। तो उन्हें मेरे बारे में बता दो। वो तुम्हें जानती हैं। अगर वो हमें देख लेती तो क्या कहती? अब उनके बारे में बात करना बंद करो। अच्छा ठीक है, तो और क्या करें बताऊं? आप लंच के लिए नहीं आई? मैं तो भूल ही गई थी, अभी जाती हूँ। जरा एक मिनट देंगे? बिल्कुल। आपको तो पता ही होगा कि आज सुबह क्या हुआ। हमारे पास स्टाफ पहले ही कम है। मैंने सुना था। मैं चाहता हूँ कि आप आज रात की भी ड्यूटी कर लीजिए इमरजेंसी वार्ड में, और फिक्र मत कीजिए, ओवरटाइम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं रोक सकती हूँ। बढ़िया, लोगों को समझ आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं, तब वो वापस लौट आएंगे। आज काफी मुश्किल दिन था। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। तुम्हारी मॉम का मैसेज आया है। क्या है? आज मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगी। अपना ख्याल रखना प्लीज। मैं आज सुबह ही उनसे मिली थी, बहुत टाइम बाद। मुझे लगा वो खुश होंगी। मैं सच में उनकी बात समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। वो घर पर होती कहाँ है? जानता हूँ, पर वो तुम्हारी मॉम है, उन्हें तुमसे प्यार है, वो तुम्हारी फिक्र करती हैं, उनका अपना तरीका है। जियोवाना के यहाँ पार्टी है और तुम जाना चाहती हो। हम दोनों चलेंगे। ये पेशेंट यहाँ ऐसे हाल में नहीं रह सकता। ठीक है डॉक्टर, मैं कुछ करती हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कमरे में चलते हैं। ये पेशेंट अपने बेड से उतरा ही कैसे? ये सब नहीं चलेगा। डॉक्टर समझने की कोशिश कीजिए, उस दीवार को तोड़ने से 30 सालों से जो सोया हुआ था वो जाग गया है और अब वो अपनी ताकत को दोबारा पाने की कोशिश करेगा। बस करो। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी शरीर में घुस जाए। डॉक्टर कभी खुद की बातें सुनिए, पता भी है तुम कितनी बकवास बातें कर रही हो। मलिग्नो लौट आया है डॉक्टर। तुम्हें पता है मैनेजमेंट के ऑर्डर्स ना मानकर तुम बवाल खड़ा कर रही हो इस हॉस्पिटल में। हम में से कोई उसे रोक नहीं सकता सिवाय प्राचीन तांत्रिकों के जिन्होंने उसे यहाँ बंद किया। बकवास बंद करो। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूं। इसी वक्त घर जाओ, इसी वक्त। मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कभी आपको उसकी सीटी की आवाज सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उसकी आंखों में मत देखिएगा। निकल जाओ यहां से। इतनी रात को कमरे से नहीं निकलना चाहिए, ये सोने का वक्त है। चलो मैं भी यहीं सो जाती हूं, ठीक है? उनकी बात मत सुनो, ने बस लड़ने का मौका चाहिए। तुम्हें क्या करता, जब से हम आए तब से परेशान कर रहे थे, वो तुम्हें छेड़ रहे थे। तुम जानते हो ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो पकड़ो इसे। एक सेकंड रुकोगे प्लीज? रुका तो हुआ हूँ। कल आकर हम माफी मांगेंगे। लुसियाना प्लीज, हर पार्टी में ऐसा ही होता है। पहले भी कहा था मुझे। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। कैसे लगी? दीवार में घिस गया था पर मैं ठीक हूँ। मुझे सच बताओ। कुछ भी नहीं है, बात मत बढ़ाइए। मुझे आंतरे की फिक्र है, उन्होंने उसे सर पर मारा था। मुझे देखने दो और पूरी बात बताओ। हम लोग एक पार्टी में थे। मैं ठीक हूँ। एक तो हम लोग कम मिल पाते हैं और तुम यहाँ एम्बुलेंस से आई हो, मैं कैसे रिएक्ट करूँ? क्योंकि आप दिन रात काम करती हैं। तुम्हारे लिए करती हूँ। हाँ शायद। डॉक्टर यहाँ आपकी जरूरत है। आ रही हूँ। तुम यहां रुको, हॉस्पिटल में बिना जूतों के नहीं घूम सकते। बकवास। हम बाद में बात करेंगे। हटो, मुझे देखने दो। वैसे तो सर पर एक ही चोट आई है, फिर भी एमआरआई करना ठीक रहेगा। जी डॉक्टर।
मैंने आपकी बेटी को देखा लॉबी में, और ये लड़का कैसा? कुछ खास नहीं, बस इसे आराम करना होगा। आपको थोड़ा वक्त चाहिए? मैं कुछ देर के लिए आपका काम देख सकता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर वापस आती हूँ। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। मैंने हजार बार समझाया है, पर मेरी बात तो ये सुनता ही नहीं। बस अभी ठीक हो जाए। आंद्रे, कुछ हुआ है क्या? वेरेंसियो, तुमने काले कपड़ों वाली एक लड़की को देखा जिसकी बाजू पर चोट लगी थी? नहीं, मैंने नहीं देखा। थैंक यू।
कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या हो गया? वो सच है, वो सब सच है। इसे यहां से ले जाओ। इसके अंदरूनी अंग खत्म हो चुके हैं। कल अटर्नी आएंगे और इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखेंगे। बहुत ही अजीब है ना? ये वही पेशेंट था ना जिसे फेवरेबल प्रोग्नोसिस था? नहीं, मुझे नहीं पता, कल ऑटोप्सी रिपोर्ट देखकर ही बता पाऊंगा। वो मिला कहाँ? आपका ये पेशेंट है ना वैलेंसियो, इसी को जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। लगता है हालात से परेशान होकर उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा लिया होगा। आप इससे बात कीजिए, ये थोड़ा डरा हुआ है, ये इस तरह के हालात का आदि नहीं है। ठीक है। ऐसी चीजें देखना बहुत अजीब है। आपको पता नहीं मैंने क्या देखा। एक लाश जो जमीन पर पड़ी हुई थी। इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मेरी बात सुनो वेनेंसियो, वो काफी ज्यादा बीमार था, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहानियां सच्ची हैं, मुझे भी यकीन नहीं था पर मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी बात सुनो, रोने से क्या होगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं नहीं थी, मैंने उसकी आंखें देखी थी, जैसा बताया गया वैसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने यकीन की थी। नर्स, अपना मैसेज वॉइस मेल पर रिकॉर्ड करें। लुसियाना, क्या वो ठीक है? हाँ आंद्रेस, वो ठीक है, बस बाजू पर थोड़ी सी खरोंच आई है। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं आपसे इस तरह नहीं मिलना चाहता था,
पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। देखिए मैम, लुसियाना का इसमें कोई दोष नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। प्लीज हिलो मत, जख्म काफी गहरा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। आई एम सॉरी, मैं समझ गया। कहाँ है वो? शायद वो घर चली गई है और फोन भी नहीं उठा रही है। फिक्र मत कीजिए, आप तो जानती है वो कैसी है। कृपया अपना मैसेज वॉइस मेल पर रिकॉर्ड करें। लुसियाना, जैसे ही तुम्हें ये मैसेज मिले मुझे कॉल बैक करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं पता नहीं उसने तुम्हें क्या बताया है, पर उसके अकेले होने पर मुझे फिक्र होती है। क्या आप मुझे मेरा फोन दे सकती हैं? थैंक यू, ये लीजिए, ये मुझे पार्टी में उसने रखने के लिए दिया था, और अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो वो बात कर लेगी। क्या यार, बैटरी लो है। मेरे ऑफिस में फोन चार्जर है, लेकर आती हूं। पर आना मना है, आपको अपने कमरे में जाना होगा। अब चलिए।
डॉक्टर? रुकिए डॉक्टर, कहाँ गया? पता नहीं। लुसियाना का फोन आए तो मुझे बताना। जी बिल्कुल। फिलहाल मुझे बहुत से काम है, बाद में मिलती हूँ। Thank you.
बेटा मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ बेटा। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? सर आप ठीक तो हैं? क्या मैं नर्स को बुलाऊं? तुम्हें चौंकाना रहना चाहिए, वो सब सच था, वो कहानी, वो मलिग्नो। सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने उस पर कब्जा कर लिया है, उसकी तरफ देखना भी मत। अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे, सुनो बच्चे यहां से चले जाओ। लुसियाना, लगभग सारा स्टाफ जा चुका है। ठीक है, आप भी निकलिए यहां से, और अगर कोई भी नजर आए तो उन्हें भी निकालिए यहां से इसी वक्त, जल्दी कीजिए।
डॉक्टर को ढूंढना होगा और उन्हें यहां से बाहर निकालना होगा। अब आप यहां क्या कर रहे हैं? अपने घर जाइए इसी वक्त। मलिकनो जाग गया है, मुझे डॉक्टर को यहां से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बड़बड़ा रहे हैं आप। डॉक्टर, मलिकनो को अब शरीर मिल गया है, उसने उस लड़की को शिकार बनाया है, अब उसे और आत्माएं चाहिए। लुसियाना, वो लड़का, देखिए सुनिए, हमें यहां से है, मेरी बात सुनिए, सुनिए लुसियाना, तुम ठीक हो? मैं हूं स्वीट हार्ट, छुपा रहे हैं आप? मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये नामुमकिन है। वो कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। अब तो आपको यकीन करना ही होगा डॉक्टर, वो बेचारी लड़की। तुमने उसे देखा? क्या वो ठीक है? अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब निकलिए यहाँ से, प्लीज यहाँ से निकलिए, आप निकलिए। मैं अपनी बेटी के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं जा रहा हूं। डॉक्टर प्लीज यहां से निकलिए, प्लीज। मुझे लुसियाना को ढूंढना होगा। अब वो पहले जैसी नहीं मुझे रही। मुझे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते।
इसी बात का डर था मुझे। वो धीरे धीरे सभी को अपना शिकार बना रहा है। वो यहां पर किसी को नहीं छोड़ेगा। आप अपनी बेटी के बिना नहीं जा सकती। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं जा सकता। मैं आपको यहां अकेले नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। किसी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, नहीं। कोई तो होगा जो हमारी मदद करे। मलिग्नो इस जंगल का सबसे खतरनाक जीव है। कुछ ताकतवर मंत्रों ने उसे इतने साल बांधे रखा था। अगर वो जंगल में रहता है तो यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल 30 साल पहले कुछ महान तांत्रिकों ने उसे हराया था, लेकिन उसे काफी चोट आई थी। जब उसे जंगल से यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें पता चला कि वो अकेला नहीं आया था। मलिग्नो को कभी भी मारा नहीं जा सकता, बस उसकी ताकत को बांधा जा सकता है। तुमने सिर्फ उसका शरीर देखा, उसकी आत्मा अब काले अंधेरे में खो चुकी है। Maligno seguirá encerrado hasta que el pabellón se abra completamente. Una parte de ese espíritu ha logrado escapar a través del cuerpo de Luciana. Con cada muerte recupera un poco de su anterior poder. ¿Acaso no fue a mi hija quien vi? ¿A quién vi? Solo su cuerpo. Su alma está perdida en la dimensión oscura. हमें उसे वापस लौटने का रास्ता दिखाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें उसका शरीर ढूंढना होगा। ये मिट्टी उस जमीन की है जिसे दैवीय शक्तियों और बरसाती जंगलों के रक्षकों का आशीर्वाद मिला है। मलिग्नो इस पवित्र मिट्टी को छूने से भी डरता है। हम उसे धीरे धीरे अपने काबू में करके बंद कर देंगे और कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें उसका वजूद महसूस हो तो इस मिट्टी से गोला बनाकर उसमें खड़े हो जाओ। अपनी बेटी को बचाइए।
सोफिया, कुछ ही देर में हम मलिग्नों की दुनिया का रास्ता खोलेंगे। लुसियाना की आत्मा वहीं गुम हो गई है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मलिग्नों के आजाद होने से पहले अगर हमने लुसियाना को नहीं खोजा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी। आपकी बेटी अब उस शरीर में नहीं है सोफिया। मैं बस अपनी बेटी को वापस लाना चाहती हूँ। मां, मां, लुसियाना। नहीं सोफिया, रुको। सोफिया, क्या हो रहा है? बेटी, तुम ठीक हो? मेरी मदद कीजिए मां। विल्मा, इससे पहले कि वो चीज यहाँ वापस आए, इसे बाहर निकालो। ए, रुक जाओ, उसे देखो भी मत। इसे मदद की जरूरत है। वो जीव तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमें गुमराह कर रहा है। तुम वो गलती मत दोहराओ जो मैंने 30 साल पहले की थी। तुम ये सब क्या कह रहे हो? नहीं हूँ वो जो उन महान तांत्रिक को यहाँ हॉस्पिटल में लाया था। उस लड़ाई के बाद उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मलिग्नो अब खत्म हो चुका है। वो मेरे पिता थे और मैं कमजोर था। मलिग्नो को सब कुछ पता होता है, तुम्हारे दिमाग से खेलना भी। हमें वही गलती दोबारा नहीं करनी है। जो आत्माएं उस राक्षस ने बंद कर ली हैं, वो अंधेरी गहराइयों में घूमती रहती हैं। और सिर्फ एक इंसान ही लुसियाना की आत्मा को वहां से वापस ला सकता है, वो तुम। मुझे बस एक सच्चे प्यार का जुड़ाव चाहिए। लुसियाना तुम्हारी आवाज को अनसुना नहीं करेगी। क्या कोई और तरीका नहीं है? और कोई तरीका नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये स्काफ तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को मलिग्नों से बचाए रखेगा। ये रास्ता एक रूहानी रास्ता है। हम तुम्हारे शरीर की हिफाजत करेंगे। आओ शुरू करें। बरसाती जंगलों के निवासी, धरती के पिता, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए लुसियाना की आत्मा तक पहुंचने में। सोफिया की मदद कीजिए उन अंधेरे रास्तों में जाने के लिए। ओ स्वर्ग के देवताओं, इसकी आत्मा लौट आने तक इस शरीर की हिफाजत कीजिए। मौत के उस सघन पेड़ तक का रास्ता दिखाइए। हमें उस अंधेरे के मुहाने तक पहुंचाइए। अंधेरी गहराइयों की ओर जाओ।
कुछ भी महसूस हो, कुछ भी सुनाई दे, बस रुकना मत। आत्माएं वहां से निकलना चाहती हैं, क्योंकि वो वहां अनंत काल तक के लिए कैद हैं। करीब ही हो। अब मैं कहां जाऊं? आगे बढ़ो, उसकी बात सुनो। जैसे तुम्हें लुसियाना मिले, उसे वहां से लेकर भाग निकलना। किसी चीज के लिए मत रुकना। इस बात का ख्याल रखना। हम साथ मिलकर इन सबका सामना करेंगे। मेरा हाथ पकड़ो, चलो आओ, मेरा हाथ पकड़ो। चली जाओ लुसियाना, चली जाओ, चलो चली जाओ। इसे देखो, मां
हाँ मैं ही हूँ। वापस आओ जल्दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी आत्मा अब मेरी है। मुझे जाना होगा। उसकी आत्मा वहां अंधेरी गहराइयों में फंस गई है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। Oh!
मेरी फिक्र मत करो, निकलो यहां से। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आंद्रे नहीं रहा, मैं सब समझती हूं बेटा। दीवार गिरते ही वो गायब हो गया। 30 सालों से उसने मलिग्नो को बांध रखा था, लेकिन वो जानता था कि एक न एक दिन उसे सामना करना ही होगा। अब तुम क्या करने वाली हो? इस हॉस्पिटल में मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, याद है ना? मलिग्नो को सिर्फ बांधा जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? इस दीवार को दोबारा बंद करना होगा। विल्मा, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं, अब आप जाइए।